और पहली गर्दन जब वो भारत में घुसा तो उसने मुसलमान की ही काटी। तो बड़ी स्पष्ट है इब्राहिम लोदी की उसने गर्दन काटी। बड़ी क्लियर सी बात है कि वो ना हिंदुओं का था ना मुसलमानों का था, किसी का नहीं था वो आदमी, वो सिर्फ आक्रांता था। उसके बाद जब उसने देखा कि यहाँ पर शक्तियाँ, लोगों को प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, लोगों का मनोबल किस तरह से तोड़ना है, तब उसने रुख किया मंदिरों की तरफ। हमारे मंदिरों को उसने तहस नहस किया, विध्वंस किया उनका, और उसके बाद उनकी परंपरा में सभी बादशाहों ने, सुल्तानों ने ऐसा ही किया। ऐसा ही एक ढांचा जो भगवान राम का बड़ा विशाल भव्य मंदिर था, सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित, क्योंकि मंदिर बहुत बार बना, भगवान राम को लाखों साल हो गए, बहुत बार मंदिर बना, बार बार उसका जीर्णोद्धार होता रहा अलग अलग राजाओं के द्वारा, संतों के द्वारा, हिंदू समाज के द्वारा, परंतु जो आखिरी में जो मंदिर था, जो बाबर के द्वारा ढाया गया, वो सम्राट विक्रमादित्य का बनवाया हुआ हजार खंभों का मंदिर था, ऐसा बहुत जगह उसका विवरण आता है। उस मंदिर को उसने ढा दिया और वो बाबरी ढांचा शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, वो ये सोचते होंगे कि बाबर ने किया था तो इसलिए उसका नाम बाबरी था, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। बाबर की दो किताबें हैं, एक किताब है बाबरनामा और दूसरी किताब है तुझके बाबरी, जिसको बाबर की आत्मकथा कहा जाता है कि बाबर ने वो लिखी है और वो उसकी आत्मकथा है। वो उपलब्ध है नेट पे भी, आप आजकल कोई दुनिया दूर नहीं है, आप कभी भी अपने फ़ोन पर देखोगे तो मिल जाएगा। मैं सिर्फ एक विषय आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो बाबरी था, बाबरी उधर उज्बेकिस्तान में, बाबर उज्बेक था, उज्बेकिस्तान में ये कहिए कि उसका बॉयफ्रेंड था और उसका नाम था बाबरी। बाद में वो छूट गया और एक दिन वो आगरा की गलियों में, क्योंकि वो सेना के साथ साथ था, कहीं बाबर सुल्तान बन गया, राजा बन गया, वो कहीं पीछे छूट गया, और उसके बाद एक दिन बाबर को वो दिख गया। तो बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि मैं उससे आंख नहीं मिला पा रहा था, उस बाबरी से, ठीक है, क्योंकि अब मैं राजा बन गया था, वो गली में घूम रहा था, तो मैंने उसको सेना में शामिल किया, उसको बड़ा ओहदा दिया, और फिर एक लड़ाई में वो बाबरी मारा गया। तो उसके याद में उसने अयोध्या का मंदिर तहस नहस कर दिया, और वो जो ढांचा खड़ा है, वो मस्जिद भी नहीं बनी थी, वहाँ पर कभी नमाज भी नहीं पढ़ी गई, मस्जिद जैसी उसमें कोई चीज़ें भी नहीं थी, वहाँ पर कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, किसी ने नहीं पढ़ी, और उस ढांचे को वो बाबरी नाम दे दिया गया। उसके बाद लगातार हिंदू समाज संघर्ष करता रहा 500 वर्षों तक, लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, कभी विभिन्न राजाओं के नेतृत्व में, कभी संतों के नेतृत्व में, और ये बलिदान की परंपरा जारी रही। अभी हमारे बीच में श्रीमान चंद्रभान सहगल जी, हमारी प्रधान नगरपालिका, बीच में आ चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें। पांच सौ वर्षों का संघर्ष ये चलता रहा, और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी पीढ़ी में इस संघर्ष का हिस्सा बने, ज्ञात और अज्ञात रूप से। मैं आपको बताऊं कि जब ये अभियान शुरू हुआ विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, तो जितने कार्यक्रम पटौदी में हुए, बहुत कम संसाधन होते हुए भी जितने शानदार और भव्य कार्यक्रम इस पटौदी के अंदर आयोजित हुए,
चाहे वो शिला पूजन का कार्यक्रम हो, इतना भव्य कार्यक्रम पटौदी के नागरिकों में आप